Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, good evening, good evening. चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से. क्या हाल है आप सभी के? Once again, स्वागत है आप सभी का GDC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे चल रही है महामैराथन सीरीज फॉर द GPAT 2024. जिसमें जिडिशियंस ने टारगेट किया है इस बार 10,000 MCQs. जी हां, 10,000 MCQs का टारगेट लेके चल रहे हैं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके, सो आज के सेशन का हमारा पार्ट होने वाला है पार्ट नंबर 83, और टॉपिक्स नेम क्या है? एंटी माइक्रोबियल एजेंट का पार्ट 5 है, जहां पे हम एंटी मलेरियल, एंटी अमोएबिक, एंटी प्रोटोजोअल और एंथेलमिंटिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर अभी से शुरू करेंगे तो क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? देखो, हमेशा याद रखिएगा, लाइफ के किसी भी मोड़ पे आप शुरुआत किसी भी चीज की करो, मैं सिर्फ जीपैट की बात नहीं कर रहा हूं, तो आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो आप जीतोगे और या तो आप सीखोगे. ध्यान से सुनना. हां, अगर अभी से आपने शुरू किया, थोड़ा सा अच्छे से मेहनत किया, तो हां सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. और अगर मान लिया कि थोड़ा बहुत सिलेबस छूट भी गया, तो सीखने को तो मिलेगा, एटलीस्ट नॉलेज तो गेन करोगे ना. और वही तो हमारा टारगेट है ना मेरे प्यारे बच्चों, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे. हार जैसी कोई चीज है ही नहीं है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और उसमें आपको हार मिले, कभी हो ही नहीं सकता है. मे बी एक जगह ना हो सके, दूसरी जगह आप उसको यूज करोगे, लेकिन हारोगे नहीं मेरे बच्चों. करेक्ट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन में फ्रॉम द एंटी मलेरियल हमारा पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है. पहला क्वेश्चन यहां पे आपको लास्ट ईयर जीपैट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा गया था, फॉर्म कब तक आएगा. ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अभी ये सिर्फ क्वेश्चन ही है, क्योंकि जब तक इसका आंसर नहीं मिलता है, जब तक एनटीए रिलीज नहीं करता है, तब तक मेरे हाथ में कुछ भी बोलने के लिए नहीं है. तो मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी ही आएगा, और वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और. करेक्ट. ओके, हां जी, पहला क्वेश्चन देखो क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज एन अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सिमेटली 6,500 लीटर. मतलब क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं. वैसे ये एंटी मलेरियल से बोला जाए तो गलत है, क्योंकि ये तो हमारे जनरल फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन है ना, और जनरल फार्माकोलॉजी वाले में क्या मिलता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसमें देखने को मिलता है? क्लोरोक्विन में. तब भी मैंने आपसे यही बोला था, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है. और अगर बात करेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना, सिंपल आंसर सर 6,500 ml से लेके 13,000 लीटर तक चला जाता है. आंसर में सीधा सीधा आंसर है सर क्लोरोक्विन. कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. 1300 लीटर ये वेरिएबल है मेरे बच्चों. मैंने आपसे बोला था मैक्सिमम, शुरुआत एक जगह से लेके जाने को तो कहीं भी जा सकता है ना, क्योंकि मैक्सिमम यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है, तो क्लोरोक्विन आंसर है. वैसे कुछ रेंजेस अगर आप बात करोगे, देखिएगा सबसे ज्यादा हमने बात किया हमारा क्लोरोक्विन की बात करेंगे. ये अप्रोक्सिमेटली अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना. और एक सेकेंड, अगर ऑकुलर टॉक्सिसिटी की बात, सॉरी क्लोरोक्विन की बात किया जाए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात किया जाए,
तो कुछ चीजें तो याद आ ही जाती है कि सर ये हमारा इरिथ्रोसिटिक साइकिल पे काम करती है, सर ये हमारी SMON सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी यानी ऑप्टिकल टॉक्सिसिटी कॉज करती है, विजुअल डिस्टरबेंस कॉज करती है, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन द मलेरिया, ये क्या करती है हीम का हीमोजाइन में जो पॉलीमराइजेशन होता है जो नॉन टॉक्सिक बन जाता है उसको इनहिबिट कर देती है। हर चीज आपने थोड़ी थोड़ी इसके बारे में जरूर पढ़ी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। वैसे क्लोरोक्विन की बात अगर मैं कर रहा था तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आपको याद आएगा, और आप जरा मुझे कंफर्म करना कोविड में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की कितनी सारी बातें की गई थी, वहां पे लोग यही कह रहे थे कि इतना बड़ा नाम हम कैसे याद करें, फार्मेसी वालों से पूछो ना, वो तो ऐसे नाम को यूं चुटकी बजा के आंसर कर देते हैं, है ना। चलिए अब देखो, चूज द अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इंट्रोबायस, वर्मिकुलर्स, पिनवॉर्म। देखिए ये एंथेलमिंटिक से क्वेश्चन है, और एंथेलमिंटिक से क्वेश्चन दो ही चीजों के आते हैं, एक तो जितने भी हमारे एल्मेंथीज हैं उनके नाम क्या होते हैं पहला, और दूसरा वहां पे ड्रग कौन सी काम करती है और कैसे काम करती है, दो ही चीजों से आती है। करेक्ट है। देखो पहला आपसे बोला गया पिनवॉर्म, हां जी वर्मिकुलरिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थ्रेड वॉर्म की बात करेंगे, जी हाँ स्ट्रोकेरियस आपको देखने को मिलेगा। फाइलेरिया की बात करेंगे, बुचेरिया बोन क्रॉफ्टी जिसको हम हाथी पाव भी बोलते हैं। ग्विनिया वॉर्म की बात करेंगे जहां पे हमें मेडिनेंसिस देखने को मिलता है। सर ये सारे तो सही है, ऑल आर करेक्ट। सर प्रीमाक्विन दे सकते हैं क्या प्रेगनेंसी में, गलती से भी मत कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रीमा क्विन हमारी तब मेजली यूज होपफुल होती है रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्विन जब हो जाता है। तो अभी अगर आपसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए, नहीं यहां पे ऑल आर करेक्ट, पी क्यू आर एस आर करेक्ट, यहां पे चारों नाम सही हैं। जरा टेबल देख लो, अगर आप इनके नाम की बात करोगे ना, पिन वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, फाइलेरियल वॉर्म या ग्विनिया वॉर्म, एस्केरिस, आपको डिफरेंट यहां पे नाम देखने को मिलेंगे। सर वो सीधे नाम की बातें हैं, इनका नाम से ही इनके ट्रिक बना के इनको आपको याद करना है मेरे साथ क्लास में, वो मैं कराऊंगा, उसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन अभी पहले आओ, मोड ऑफ एक्शन ऑफ इमिटिन। जीपैट 2016 का क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, इमिटिन की बात करेंगे। इमिटिन हमारा एंटी अमोइबिक ड्रग में से आती है जो एक प्रोटोजोअल इंफेक्शन खुद है, और जब आप बात करते हो ये हमारे प्रोटोजोआ में अमोबियसिस में जो यूज होती है, कैसे यूज होती है, इनहिबिट माइकोलिक एसिड। क्या प्रोटोजोआ में माइकोलिक एसिड होगा, नहीं होगा। सर इमिटिन क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। सो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस में कोई रोल नहीं है दूर दूर तक। ओके अच्छा सीओपीआई फार्मा की बात कर रहे हो, सिलेबस उसका डिटेल में आपको फार्मा जॉब्स चैनल पे दे दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं इधर प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहां पे हमने क्या बोला, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द इमिटिन इज द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमिटिन एंड डिहाइड्रो इमिटिन की बात करेंगे। अब जब आप पढ़ोगे ना अमोबियसिस तो दो टाइप का आता है, एक आता है लिमिनल अमोबिसाइड्स और दूसरा हमारा आता है एक्स्ट्रा सेरेब्रल अमोबिसाइड्स की बात करते हैं। तो जब उनको देखोगे ना तो उनसे आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि दीज एक्ट मेनली ऑन द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करती है, और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोबियसिस, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोबियसिस पे काम करती है। वैसे इमिसिस से नाम आपको एक चीज इमिटिक से याद आ ही जाएगा कि सर ये तो वही ड्रग है जो इमिसिस कॉज कराती है, बात आपकी बिल्कुल सही है, टिश्यू अमोबिसाइडल। ओके बढ़िया, नेक्स्ट सोर्स तो याद ही होगा, सिफेलिस सिपिका कुहाना जिससे मिलती है इमिटिन। विच ऑफ द एंटीबायोटिक कैन कॉज द विजुअल डैमेज, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको आंसर दे दिया था। सर कौन सी ड्रग है जो विजुअल डैमेज करेगी, और इनमें ऑप्शंस आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्लोरोक्विन आंसर दिख रहा है। क्लोरोक्विन हमारी ऐसी ड्रग है जो विजुअल डिस्टरबेंस कॉज करेगी, टेट्रासाइक्लिन में नहीं, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, एंटी एनाबोलिक इफेक्ट आता है, क्लोरामफेनिकॉल में बिग सुपर हाइपर सेंसिटिविटी याद करते हैं,
अरे विजुअल डिस्टरबेंस की बात आई है तो सोचने से टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा सर, क्लोरोक्विन आंसर लगा दीजिएगा। क्योंकि विजुअल देखो क्विनिडाक्लोर भी आई पे काम करता है लेकिन ब्लाइंडनेस कॉज करता है, और जबकि आप क्लोरोक्विन की बात करेंगे तो विजुअल डिस्टरबेंस करेगा। टेट्रासाइक्लिन किडनी और लीवर में क्लोरामफेनिकॉल ग्रे में भी सिंड्रोम कॉज करता है। एग्जैक्टली क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इन दोनों से कॉमन वर्ड निकल के आता है जो हमारा होता है SMON, सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, क्या बुल्स आई, क्या बोला जाता है बुल्स आई की बात होती है। बहुत बढ़िया साहिल, वेरी गुड बेटा, यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द आर्टेमिसिन। एक सेकेंड, आर्टेमिसिन कहां से आता है सर? आर्टेमिसिन नेचुरल होता है। आर्टिमीथर, आर्टिसुनेट, आर्टी ईथर की बात करेंगे, आर्टेमिसिन की बात करेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम द क्विनघोशू, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइनीज ट्री भी बोलते हैं, आर्टिमिसिया एनुआ, ये नेचुरल होती है। और ये फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी इरिथ्रोसाइटिक साइकिल पे, मींस इरिथ्रोसाइटिक साइकिल पे काम करने वालों में से फास्टेस्ट एक्टिंग होती है। अंकित हो गया बेटा, मैंने बोल दिया, बता दूंगा अभी यहां पे बार बार तो नहीं ना। इट इज अ सेस्क्विटर्पिन लैक्टोन इंडो पराक्साइड, एकदम करेक्ट है सर, ये सेस्क्विटर्पिन डेरिवेटिव होता है, लैक्टोन रिंग कंटेनिंग होता है, इंडो पराक्साइड रिंग होता है, बिल्कुल बात सही है। इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अस्थमा, मैंने आपसे अभी बोला, और अगर मेरे बच्चों ने आज की क्लास से ही थोड़ा बहुत सीखा है तो जरा मुझे कंफर्म करिएगा, क्या आर्टिमिसिन, जो मैंने अभी आपसे बोला कि इरिथ्रोसाइटिक साइकिल पे काम करेगी, तो क्या वो प्रोफाइलेक्सिस को कंट्रोल कर सकती है क्या? नहीं मेरे बच्चों, ये प्रोफाइलेक्सिस को कंट्रोल नहीं करेगी, ये सिम्टम्स को, यानी इरिथ्रोसाइटिक साइकिल पे काम करेगी, तो ये प्रोफाइलेक्सिस पे तो काम नहीं करेगी, तो ये गलत है। इट डज नॉट क्योर रिलैप्सिंग मलेरिया, बिल्कुल बात सही है, रिलैप्स पे काम नहीं करेगी क्योंकि एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल पे काम नहीं करती है, डज नॉट दिखाए, सही है। इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सेरेब्रल मलेरिया फैल्सीपेरम, हां जी सर, फैल्सीपेरम में सिंस एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होती ही नहीं है तो मेरे लिए ट्रीटमेंट में काम करेगी, तो अच्छी बात है ना। और आपसे यही पूछा गया कि कौन सा फॉल्स है, आंसर आप तुरंत बता चुके होंगे कि सर ये इरिथ्रोसाइटिक साइकिल पे काम करेगी। हम एक वर्ड याद करते हैं, मच्छर, मेफ्लोक्विन। नेक्स्ट हम वहां पे बात करेंगे हमारा एमोडियाक्विन, नेक्स्ट क्लोरोक्विन की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा वहां पे आ जाएगा दैट इज द आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, आर्टीथर, आर्टिमिसिन डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, ये सब मेरी काम करेंगे। और जब ये फास्ट एक्टिंग है, ठीक है, और जब स्लो एक्टिंग की बात करेंगे तो हमारा सल्फोनामाइड आ जाएगा, हमारा वहां पे प्रोगुआनिल आ जाएगा, टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा, पाइरीमेथामिन आ जाएगा, ये स्लो एक्टिंग होती है, काम ये भी करेंगे इरिथ्रोसाइटिक साइकिल पे लेकिन स्लोली करेंगी, बात समझे? चलिए बढ़िया, तो सिंपल आंसर आपने भी दे दिया कि ये प्रोफाइलेक्सिस पे ड्रग ऑफ चॉइस है, बात गलत है, प्रोफाइलेक्सिस पे तो काम करने वाली मेरी ड्रग कौन सी है, प्रीमाक्विन और क्विनिन, दो ही ड्रग आएंगी प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल पे। So, cerebral malaria, during the pregnancy, cerebral malaria के लिए हमारी ड्रग यूज की जा सकती है। सर ये हमारी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरी फैल्सीपेरम सब में यूज होती है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। सर ये ब्लड साइजोंटोसाइडल होती है, यानी इरिथ्रोसाइटिक साइकिल पे काम करती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ड्रग विच इज नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया कॉज बाय द फैल्सीपेरम। अब भी आंसर किया जो मैंने आपसे बोला कि हमारी जो क्विनिन है, ध्यान से सुन लो, प्रीमाक्विन प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल पे, क्विनिन एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल पे काम करती है। क्लोरोक्विन की बात करेंगे, मेफ्लोक्विन की बात करेंगे, आर्टिमिसिन डेरिवेटिव की बात करेंगे, ये इरिथ्रोसाइटिक साइकिल पे काम करती है। अब देखो इस क्वेश्चन में ही सारी चीज है, इस क्वेश्चन में ही देखो कैसे मिल जाएगा, आपसे क्या बोला गया, Not used in falciparum. अब आपका सिंपल एक यहां पे छोटा सा पॉइंट फाइंड आउट करने का है, जिन्होंने ए आंसर दिया मैं बिल्कुल बोल दूं नहीं बेटा ये धड़ल्ले से यूज होगी, अभी दिखाया हूं कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के केस में ये ड्रग बहुत अच्छी है,
बीज आती है। प्रीमाक्विन प्री रिथ्रोसिटिक साइकिल में काम करती है सर, ये भी यूज होगी, लेकिन क्विनिन ये केवल किसमें काम करेगी, एक्सोइरिथ्रोसिटिक साइकिल पे। और एक्सोइरिथ्रोसिटिक साइकिल तो फैल्सिपेरम में सर होती ही नहीं है, तो क्या क्विनिन यहां पे काम करेगी क्या? नहीं सर, मेफ्लोक्विन एरिथ्रोसिटिक साइकिल पे काम करेगी, ये तीनों हमारी यूज होंगी, लेकिन क्विनिन यहां पे यूज नहीं होगी। सारा खेल किससे है? साइकिल से है। अगर साइकिल क्लियर है तो यह आंसर क्लियर है। ऑल द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया फैल्सिपेरम, हाउएवर प्रीमाक्विन इज एप्रोप्रिएट फॉर द ऑप्शंस। जबकि ये हमारा अगर क्विनिन की बात करोगे तो क्विनिन तो सिर्फ और सिर्फ एक्सोइरिथ्रोसिटिक में है ना। अमोइबियसिस का मतलब क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का नाम सुना है बच्चे? और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से जो इंफेक्शन होता है उसको बोलते हैं अमोइबियसिस। कभी ऐसा हुआ है दिन में 10-12 बार लोटा लेके खेतों में गए हो? सपोज, मतलब मैं नहीं कहता अब तो खेतों में जाने वाला कोई चीज ही नहीं है, लेकिन सिचुएशन वही है ना। चलिए, खाओ कम जाओ ज्यादा। द मेफ्लोक्विन प्रोगोनिल एंड प्रीमाक्विन कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन द डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय, किस पे काम करेंगी भाई प्रोगोनिल मेफ्लोक्विन एंड प्रीमाक्विन? अभी भी सोच रहे हो? अरे अभी हमने देखा सर मलेरिया में काम करती है, और मलेरिया किस टाइप का इंफेक्शन है सर? प्रोटोजोवल इंफेक्शन है, यही तो है। प्रियंका जी, इसका आंसर मैं क्या ही दे सकता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी में पेट क्यों मांगा है, इसका आंसर अब कैसे दे सकता हूं? बट कोई नहीं, मेल कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए, शायद कुछ ऑप्शंस मिल जाए। ओके, तो सिंपल है, ये प्रोटोजोआ के अगेंस्ट हमारी यूज होंगी, मतलब इससे इजी तो हो ही नहीं सकता है। माइकोप्लाज्मा तो अलग ही है, डर्मेटोफाइट्स फंगल इंफेक्शन है, स्पायरोचीट्स हमारे अलग ही होते हैं, तो ये सब हमारे प्रोटोजोआ मलेरिया में यूज हो रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट, एटोवाक्विन व्हेन कंबाइंड विद द प्रोगोनिल। अब एटोवाक्विन क्या हो गया? नेफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव हो गया। प्रोगोनिल क्या हो गया? हमारा बिग्वानाइट डेरिवेटिव हो गया। दोनों एंटी मलेरियल ड्रग है, दोनों साथ में दी जाती हैं। वो तो डायरिया होता है सर, तो अमोइबियसिस कैसे? लल्ला, डायरिया कई टाइप के होते हैं ना, डायरिया कई टाइप के होते हैं, ट्रेवलर डायरिया, बैक्टीरियल डायरिया, प्रोटोजोअल डायरिया। अगर एंटमीबा हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शन की वजह से डायरिया वाली सिचुएशन बनी है तो वो कहलाएगी क्या? अमोइबियसिस। अगर हिंदी में एक सिंपल इसका वर्ड में बोलू ना तो इसको क्या बोला जाता है, लाइक जब ब्लडी डायरिया होने लग जाता है वो आता है। ठीक है, नहीं अभी सुनना, दोनों साथ में इसलिए दिए जाते हैं कि हाईली इफेक्टिव होते हैं, वेल टॉलरेटेड होते हैं, इसलिए दोनों को साथ में दे दीजिए। पहली बात बिल्कुल ठीक जा रही है, नॉट वेल टॉलरेटेड गलत हो गया। एंटागोनिज्म आएगा तो फायदा क्या है देने का, इसीलिए तो कंबाइंड में दिया जाता है। एंड रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड, हां जी, एक ड्रग दूसरे ड्रग के रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देती है, तो आंसर क्या हो गया? पी एंड एस। ओके, ए वाला क्वेश्चन तो ऑप्शंस पढ़ के ही समझ में आ रहा है, गुड। एंजियोग्राफी क्या होता है? अब बेटा गलत जगह, गलत जगह पूछा, गलत, नहीं नहीं यहां पे नहीं, यहां पे नहीं। ठीक, ये आंसर मिला हमें कि दोनों को कॉम्बिनेशन इसलिए किया गया कि ऑब्वियसली देखो, एक ड्रग ज्यादा डोज में लोगे तो चांसेस है कि वहां पे रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन दो डोज लो डोज में ले लोगे, दो ड्रग लो डोज में ले लोगे तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के रेजिस्टेंस को भी कम कर सकती है, मतलब डेवलप नहीं होने दे सकती है, और साथ ही साथ टॉलरेबिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए आंसर यहां पे पी एंड एस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ नेचुरल प्रोडक्ट डेरिवेटिव डेवलप एज एन एंटी मलेरियल। लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आंसर किया, इनमें से कौन सी नेचुरल है और जो मलेरिया में यूज होती है, जरा ध्यान से सुनना। पालोड्रिन मलेरिया में तो नहीं है, पायरीमेथामिन
सर डाई अमीनो पाइरिमिडिन डेरिवेटिव है सर, नेचुरल नहीं है। हेलोफेंट्राइन क्या है सर, हमारी फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव है तो नेचुरल तो नहीं है, लेकिन अगर आरटी सुनेट आरटी मीथर आरटी ईथर के बारे में बात करेंगे तो वही कहलाएगा हमारा क्या, नेचुरल, ऑप्टेन फ्रॉम द आर्टिमीसिया एनुआ प्लांट से ऑप्टेन होता है। मतलब सोचना भी नहीं है, इतना इजी है, आंसर तुरंत लगाना है। क्विनेगोशियो मैंने आपसे पहले बोल दिया। अच्छा ये करती क्या है, ये जो प्रोटीन और लिपिड का परऑक्सीडेशन होता है ना उसको डैमेज करती है, फास्टेस्ट एक्टिंग है। आइए थोड़ा सा पीक्यूआरएस देखा जाए क्या है। टू ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स आर ट्रू फॉर द डिस्क्राइबिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द थियाबेंडाजोल। थियाबेंडाजोल कहां पे यूज होगी, एल्बेंडाजोल। एक सेकेंड, शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा या घर घर में आके जो दवाएं खिलाते हैं पेट में कीड़ों की दवा क्या होता है, हां जी यही हेलमेंथिक इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है एल्बेंडाजोल, थियाबेंडाजोल, जो नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, नाइट्रो इससे निकलता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है, फ्री रेडिकल यहां पे काम करता है। एंजियोग्राफी क्या होता है, सुनील लोग अच्छा इतनी देर से पूछ रहे हो, जो आपके कोरोनरी आर्टरी होती है जब उसमें ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको रिमूव किया जाता है, जिसको बोलते हैं एंजियोग्राफी या बाईपास सर्जरी भी बोला जाता है। बस करो भाई, एक ही क्वेश्चन बार बार मत किया करो सर, इसकी ट्रिक बढ़िया। चलिए आइए बात करते हैं। अच्छा थायबेंडाजोल में अब यहां पे बात क्या चल रही है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग कॉजेज स्पास्टिक पैरालिसिस। ना 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 ना, जब आप पीएनएस में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर पढ़ते हो, खासतौर पर डीपोलराइजिंग ब्लॉकर पढ़ते हो, तो मैंने वहां पे आपको एक चीज बोला था कि यहां पे वही कहानी है कि आपको हंसा हंसा के रुलाने वाली, आई मीन इतना ज्यादा हमारा जो रिसेप्टर होता है वो काम कर लेता है कि वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, फ्लैसिड पैरालिसिस में चला जाता है। यहां स्पास्टिक पैरालिसिस लिखा गया है, गलत लिखा गया है। नेक्स्ट, ब्लॉक द रिस्पॉन्स ऑफ द स्कैरिस मसल्स टू एसिटाइल कोलीन कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस। नहीं, अब यहां पे स्पास्टिक पैरालिसिस आएगी। अगर ये स्पास्टिक को उठा के यहां पे और फ्लैसिड को उठा के यहां पे रख दू तो ए और बी सही हो जाएगा, पी और क्यू सही हो जाएगा। चलेगा, तो इसलिए ये दोनों गलत हो गए। आगे बढ़ो, इनहिबिट द हेलमिंथिक स्पेसिफिक एंजाइम फ्यूमरेट रिडक्टेज। हां जी, ये हेलमिंथिक जितने भी हेलमिंथीज होते हैं ना, एस्कैरिस वगैरह, उन्हीं में प्रेजेंट होता है, पिनवॉर्म, थ्रेडवॉर्म, ग्विनिया वॉर्म, इन्हीं सब की बात चल रही है। अरेस्ट निमेटोड सेल डिवीजन इन मेटाफेज। हां जी सर, ये माइक्रोटिब्यूल को इनहिबिट करते हैं तो मेटाफेज अरेस्ट करते हैं। Exactly, piperazine for the flaccid paralysis. Flaccid paralysis, piperazine में आपको देखने को मिलेगा। तो R और S सही है, कहाँ है आंसर? यहाँ है आंसर। बढ़िया सुभंजन। Spastic paralysis parenteral promote के साथ आती है, flaccid paralysis हमारी किसके साथ देखने को मिलती है? Piperazine के साथ देखने को मिलती है। ये लिख लीजिए, बार बार बोलूंगा, स्पास्टिक पैरालिसिस किसके साथ आएगी? पायरेंटल पमोइड। और फ्लैसिड पैरालिसिस किसके साथ आएगी? पाइपेराजिन के साथ आएगी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एंटी पैरासिटिक एक्शन ऑफ द मेबेंडाजोल। देखिए उसी की बहन है एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, थियाबेंडाजोल, इनका काम कैसे है? स्टिमुलेशन ऑफ द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इनहिबिशन ऑफ द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इंटरफेयर विद द माइक्रोटिब्यूल सिंथेसिस एंड असेंबली, ब्लॉक थायमिन रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर। अभी तो आंसर दिया ना भाई, पाम ऑयल प्लास्टिक में पाइप फ्लेक्सिबल फ्लैसिड। कमाल है प्रीतम, सही है सही है सही है, अभी तो बोला यार। क्या करती है माइक्रोटिब्यूल,
माइक्रो ट्यूब्यूल को इनिबिट करेगी, ट्यूबुल जो हमारा सेल डिवीजन होता है उसको इनिबिट करेगी, सो इंटरफियर विद द माइक्रो ट्यूब्यूल सिंथेसिस एंड असेंबली। कुछ कहने की जरूरत नहीं, पहले पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ था, आएगा। सो सिंपली ब्लॉक माइक्रो ट्यूब्यूल फॉर्मेशन, थेबेंडाजोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, मेबेंडाजोल थेबेंडाजोल दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है, और ये एल्बेंडाजोल के अल्टरनेटिव ड्रग में से आती है, एस्कारिस, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म, टीनिया, टीनिया सोलियम, इन सभी के इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। हाँ, डायरिया, ये सारे एडवर्स इफेक्ट तो आ ही सकते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोनिडाजोल। अब देखो मेट्रोनिडाजोल अमोबियसिस में आ गए, इनहिबिट एनारोबिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ बाय, मतलब मेट्रोनिडाजोल का मोड ऑफ एक्शन पूछा गया है। अब मेट्रोनिडाजोल कैसे काम करेगी, ध्यान से सुन लेना पहले। अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रॉइंग द राइबोसोम, इनहिबिटिंग द साइटोक्रोम सिस्टम, इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। मेट्रोनिडाजोल फ्लैसिड पैरालिसिस क्लोराइड आयन एंट्री इंक्रीजेस, क्या बात है बच्चे, चलो 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 फटाफट फटाफट आंसर करो, सोचना है क्या? ओके, सो सिंपल, यहां पे ए आंसर बेटा, अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डीएनए मॉलिक्यूल क्यों सर? ये फ्री रेडिकल जनरेशन करेगा, ध्यान से सुनो, ये फ्री रेडिकल जनरेट करेगा और डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अल्टर करता है। ये हमारा मेट्रोनिडाजोल डेरिवेटिव है जो मेटाबॉलिज्म के बाद हमारा क्या करेगा, नाइट्रो ग्रुप यहां पे रिलीज करेगा और वही नाइट्रो ग्रुप हमारे डीएनए पे काम करेगा और डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कॉज करेगा, डीएनए डैमेज करता है। गुड, मैच द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन, कैटेगरी नहीं बोलूंगा, क्लासिफिकेशन। अमोडियाक्विन किस क्लास की ड्रग है? आज ही तो हमने बोला था कैप, यानी अमोडियाक्विन 4-अमीनोक्विनोलिन हो गया। अगर मैं बात करूंगा हमारा यहाँ पे मेफ्लोक्विन की बात करूंगा, मेफ्लोक्विन हमारी क्या है, क्विनोलोन मिथेनॉल हमारी हो गई। प्रिमाक्विन की बात करूंगा, बीपी से याद किया था 8-अमीनोक्विनोलिन, और प्रोगुआनिल क्या हो गई, बिगुआनाइड डेरिवेटिव हो गई। सो पी फॉर सी, क्यू फॉर बी, पी सी क्यू बी, सी आंसर। चलिए 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 जल्दी कन्फर्म करिएगा, सी आंसर मिला कि नहीं, क्लासिफिकेशन का जी सीधे आंसर है 48 ABCD NPQSST, एग्जैक्टली उसी में आपका आंसर आ जाएगा, सारी ड्रग का क्लासिफिकेशन। जितने भी बच्चे हैं आज जो मैंने शुरू किया था, प्लीज उसको कल अच्छे से याद करके तभी क्लास में आइएगा, मजा आएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द एंथेलमिंटिक ड्रग्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, जरा देखो, मेबेंडाजोल इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट अगेंस्ट द राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, विप वॉर्म, पिन वॉर्म, करेक्ट एक्सेप्ट बताना है। हां जी सर, मेबेंडाजोल यहां पे ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। इवरमेक्टिन फर्स्ट लाइन ड्रग अगेंस्ट द थ्रेड वॉर्म, हां जी इवरमेक्टिन, वैसे आपने कोविड में इवरमेक्टिन खाई भी होगी ना जी, इवरमेक्टिन वैसे थ्रेड वॉर्म की ड्रग है। प्राजीक्विंटल, निक्लोसामाइड एंड एल्बेंडाजोल आर द फर्स्ट लाइन ड्रग अगेंस्ट द टेप वॉर्म, ये भी ठीक है। डाइथाइल कार्बामाजिन इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द पिन वॉर्म, नहीं सर, डाइथाइल कार्बामाजिन जिसको डीईसी बोला जाता है, डीईसी इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फाइलेरिया, फाइलेरिया यानी फाइलेरेसिस के लिए कॉज बाय द वुचेरिया बॉनक्रॉफ्टी जो कॉज करता है उसके लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस यानी फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, और यही गलत है, बाकी तीनों सही है। आपसे पूछा गया सभी स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है वो बताना था, डी आंसर गलत है। ये वाला क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस और डाइथाइल कार्बामाजिन किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। जब आप देखोगे ना तो सिंपली यहां पे फाइलेरेसिस में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है डीईसी, लेकिन इवरमेक्टिन एल्बेंडाजोल यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस हमारी डीईसी है। एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल क्लासिफिकेशन।
सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्विनिन. अभी जो क्विनिन की बात किया उसी से रिलेटेड यहां पे है. क्विनिन इज एल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम द सिंकोना बार्क. क्विनिन इज मोर इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक देन क्लोरोक्विन. गलत बात. क्लोरोक्विन इज ज्यादा इफेक्टिव है और लेस टॉक्सिक है. क्विनिन हैज नो इफेक्ट ऑन द प्री रिथ्रोसिटिक स्टेज ऑन हिप्नोजॉइट्स ऑफ रिलैप्सिंग मलेरिया बट किल वाइवेक्स गैमिट. अच्छा फिर भी ठीक है. प्री रिथ्रोसिटिक साइकिल पे हमारा इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि प्री रिथ्रोसिटिक में तो प्रीमाक्विन ही आएगी. सिंकोनिज्म सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट. सब सही है क्यों गलत है. सभी सही है क्यों गलत है. जहां पे आंसर हो वो लगा दो. पी आर एस सही है क्यों इनकरेक्ट है. क्योंकि एक चीज बताओ सेफ कौन सी है क्लोरोक्विन या क्विनिन. बस इसी में आंसर आपको मिल जाएगा. ऑब्वियसली क्लोरोक्विन सेफर है. क्विनिन सेफर नहीं है क्योंकि अगर क्विनिन सेफर होती तो प्रेगनेंसी में हम क्विनिन नहीं देते. सर क्या इवरविक्टिन फाइलेरिया के प्रोफाइलैक्सिस में भी देते हैं क्या. हां जी बेटा देते हैं. क्विनिन हमारी इरिथ्रोसिटिक साइजेंटोसाइट फॉर ऑल स्पीसीज बट लेस इफेक्टिव मोर टॉक्सिक एज कंपेयर टू द क्लोरोक्विन. क्विनिन डिजिटॉक्सिन नेवर गिवन. हां जी कभी नहीं. सर चॉइस ऑफ ड्रग मींस जो उस डिजीज के लिए पहली ड्रग देना चाहिए. प्रिफर्ड ड्रग. ड्रग ऑफ चॉइस. फर्स्ट लाइन ड्रग. कुछ भी बोल दीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर अमीनो क्विनोलिन टाइप. फोर अमीनो क्विनोलिन में कैप याद रखिएगा. क्लोरोक्विन एमोडियाक्विन पाइपेराक्विन. कहीं कुछ दिख रहा है क्या. सर यहां पे तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं. क्लोरोक्विन भी है पाइपेराक्विन भी है. खैर पाइपेराक्विन आंसर नहीं होना चाहिए तो गड़बड़ है. मैंने बोला कैप यानी क्लोरोक्विन एमोडियाक्विन पाइपेराक्विन. तो कैप से अगर आप याद रखोगे तो यहां दोनों चीजें आ जाएंगी. ओके अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन दोनों हो सकता है क्योंकि प्रीमाक्विन और बुलाक्विन हमारी क्या है एट अमीनो क्विनोलिन्स. क्लोरोक्विन हैज द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट. अच्छा देखो क्लोरोक्विन कहां कहां यूज हुई है. क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल. सॉरी एंटी मलेरियल तो है ही है. जी सर है. एंटी इंफ्लामेटरी. हां जी सर है. अगर बात करोगे मसल से रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी. अरे हा ना थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है. आपसे बोला कि सब में है किसमें नहीं है. ट्रिक 4 लाख चोरी चुरा चोरी ये अम्मी एंड पापा के यहां से. अच्छा तुम्हारा ट्रिक तो बड़ा थोड़ा सा वो है. चलो एंटी इंफ्लामेटरी वीक स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट एंटी एरेथमिक. क्लोरोक्विन क्विनिन की डेरिवेटिव थोड़ा बहुत मान सकते हैं लेकिन लेस्मैनियासिस में दूर दूर तक नहीं. लेस्मैनिया डोनोवानी. लेस्मैनिया डोनोवानी कॉजेज लेस्मैनियासिस. और लेस्मैनियासिस की ड्रग ऑफ चॉइस हमारी होती है कौन सी. वन एंड ओनली वन हम बात करेंगे सोडियम स्टीबोग्लुकोनेट के बारे में. और हाँ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी हमारा लेस्मैनिया में यूज होता है. काला आजार यूज होता है लेकिन क्लोरोक्विन यहां पे तो यूज ही नहीं हो सकता है. क्लोरोक्विन का बहुत जगह यूज है. एंटी मलेरियल अमोएबियासिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एंटी इंफ्लामेटरी होता है. डिस्क्वाइड ल्यूपस एरिथ्रोमेटस सिंड्रोम जिसको एलईएस बोलते हैं उसमें काम करेगा. लेप्रा रिएक्शन में एंटी एरिथमिक है. वीक स्मूथ मसल से रिलैक्सेंट है. हाँ लेप्रा रिएक्शन में भी ये यूज होता है लेकिन किसी एंगल से लेस्मैनियासिस में हमारी क्लोरोक्विन नहीं आएगी क्योंकि कोई काम ही नहीं है. नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया ड्यू टू द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन अ 25 ईयर ओल्ड. खाली इतना देख लो और मलेरिया देख लो. प्रेग्नेंट फीमेल है मलेरिया है. ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गई. सोचने की जरूरत है क्या. रेयर डिजीज में आएगा ना सर. क्या बेटा क्या 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 क्या. अच्छा ऑर्फन ड्रग में ना लेस्मैनिया लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की बात कर रहे होगे. हाँ जी यहाँ तो सिंपल है. क्लोरोक्विन ड्रग ऑफ चॉइस हमारी होती है. खासतौर पर बात करेंगे अगर प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मलेरिया क्लोरोक्विन. लेकिन अगर क्लोरोक्विन का रेजिस्टेंट हो गया. ध्यान से सुनो मैंने ये भी वर्ड दिया था कि क्लोरोक्विन के रेजिस्टेंस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या बन जाएगी. क्विनिन बन जाएगी.
अगर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट हो चुकी है तब क्विनिन की तरफ मूव ऑन कर जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज स्लो एक्टिंग साइजेंटोसाइड, अभी आपको मैंने यही बोला था। कहीं यहां पे आपको एंटी मेटाबोलाइट दिख रही है क्या? सल्फोनामाइड, पाइरीमेथामिन, प्रोगुआनिल, टेट्रासाइक्लिन, अगर दिख रही है तो वो स्लो एक्टिंग है। और मच्छर से मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, जहां पे आप आर्टेमिसिन डेरिवेटिव, मेफ्लोक्विन डेरिवेटिव, क्लोरोक्विन डेरिवेटिव, क्विनिन डेरिवेटिव, ये सब मेरे किस में आते हैं? फास्ट एक्टिंग। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्लो एक्टिंग। जरा ये ट्रिक लिख ही लेना, मच्छर, मेफ्लोक्विन, एटोवाक्विन, क्लोरोक्विन, हेलोफेंट्राइन, आर्टेमिसिन एंड क्विनिन, जबकि स्लो एक्टिंग में पाइरीमेथामिन, सल्फोनामाइड, प्रोगुआनिल, टेट्रासाइक्लिन, सो स्लो एक्टिंग यानी एंटी मेटाबोलाइट। चलेगा? बढ़िया। ऐसा क्या स्नेहासिस, कुछ बदलाव दिखा क्या? अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट अमीनो क्विनोलिन, जल्दी आंसर करो बेटा। फोर की अभी बात किया था, एट की अब बात कर रहा हूं, आंसर आप तुरंत दे सकते हो। एट अमीनो क्विनोलिन से यानी बीपी याद आएगा, बुलाक्विन एंड प्रिमाक्विन, कहीं दिख रहा है क्या? बुलाक्विन एंड प्रिमाक्विन में से आंसर आप दे सकते हो। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन मलेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लीजिएगा, बार बार बोलूंगा। डीसी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, सॉरी, अगर डीसी की बात करेंगे तो फाइलेरिया याद तो आएगा ही आएगा, अभी बताया था, वुचेरिया बॉनक्रॉफ्टी, फाइलेरेसिस, हाथी पांव, कुछ भी बोल लीजिएगा, डीसी से ही हमारा ये कॉज होता है। करेक्ट आंसर। सो डीसी कॉज किल करता है माइक्रोफाइलेरियल को, जो छोटे छोटे बनते हैं बाय द वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी, और उसी के लिए हमारी ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द फाइलेरेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेस फ्लैसिड पैरालिसिस, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं आपको जो पहले बता चुका हूं उसी से सारे क्वेश्चन अब आ रहे हैं। फ्लैसिड पैरालिसिस आया, फ्लैसिड में आपको पाइपेराजिन मैंने पहले बोला था, ये फ्लैसिड के लिए है, ये स्पास्टिक के लिए है। फ्लैसिड का आंसर आया पाइपराजिन, लगा दीजिएगा। अरे बेटा फार्मा का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, मैं ये कभी नहीं कहता हूं डीआई, फार्मासिस्ट, जीपैट, नाइपर, कुछ भी आप फार्मा कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये मैराथन सब में आपको काम करेगी। पहले तो माइंड सेटअप तो बनाओ। तो फिर से एक क्वेश्चन और जो पढ़ाया अभी, बुल्स आई रेटिनोपैथी, किसमें? क्लोरोक्विन में, SMON, सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी, दैट इज कॉल्ड एज द बुल्स आई, और ये हमारा किसमें देखने को मिलता है? हमारा क्लोरोक्विन की बात करेंगे, जिसमें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, एरिथ्रोसाइटिक साइजेंटोसाइडल होती है, हाई डोज पे ये हमारा क्या करती है? विजुअल डिस्टर्बेंस कॉज करती है। सारे वर्ड आपको एक साथ रिकॉल करना है तब मजा आएगा। If a drug is active against the pre-erythrocytic stage of the malaria parasite, it will be useful as, चलो अगर वो pre-erythrocytic cycle पे काम कर रही है, जल्दी बताना, तो वो किस पे काम करेगी? Suppressive prophylaxis, casual prophylaxis, clinical curative या radical curative? चलो दो तो मैं आपको पहले काट देता हूं, clinical और radical पे तो नहीं होगी क्योंकि pre लिखा हुआ है। सही है अक्षय बेटा। अब आपके पास दो वर्ड बचे हैं, सप्रेसिव प्रोफाइल एक्सिस या कैजुअल प्रोफाइल एक्सिस, क्लास का वर्ड था सीधे सीधे क्या? कैजुअल प्रोफाइल एक्सिस। क्या है? कैजुअल प्रोफाइल एक्सिस। सप्रेसिव प्रोफाइल एक्सिस का मतलब क्या है? ना हो, सप्रेसिव है, इन्फेक्शन हो चुका है, मच्छर ने काट लिया है, स्पोरोजॉइट्स अंदर आ चुका है, मीरोजॉइट्स में कन्वर्ट ना होने पाए, उसके लिए लेते हैं कैजुअल प्रोफाइल एक्सेस। चलेगा? हां जी। सो कैजुअल प्रोफाइल एक्सेस, जहां पे हम बोलेंगे प्री रिथ्रोसेटिक साइकिल ड्रग काम करेंगी, प्रीमाक्विन हमारी यहां पे मिलनी होती है, जो लीवर सेल्स में पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करती है।
ऑल ऑफ दीज आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द विसरल लेस्मेनियसिस एक्सेप्ट. सभी लेस्मेनियसिस में काम करेंगी, कौन सी नहीं काम करती है बस ये बताना है. अब लेस्मेनियसिस की बात करेंगे, कितनी देर हुआ है मुझे बताए हुए कि बेटा क्लोरोक्विन डेरिवेटिव हमारा लेस्मेनियसिस में काम नहीं करती है. अब अगर मैंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लिख दिया तो क्या गलत है? मतलब अलग से कुछ सोचने की जरूरत है क्या? ऑप्शंस जरा कैजुअल है. हाँ जी, सोचने की भी जरूरत है क्या? हाँ जी, सिटमाक्विन, पैरामोमाइसिन या मिल्टेफोसिन यूज होती है, लेकिन क्लोरोक्विन डेरिवेटिव तो नहीं होगी ना, थोड़ी देर पहले का ही आंसर है, अलग से क्यों जाने की जरूरत है? ड्रग ऑफ चॉइस तो हमने यही बोला ना, मतलब सोडियम स्टिबोग्लुकोनेट हमारी मोस्ट कॉमनली यूज होती है. लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी आज की डेट पे ड्रग ऑफ चॉइस बनती जा रही है, यही दोनों मेनली यूज होती है, लेकिन उनके अलावा जो यूज होगी, लेकिन क्लोरोक्विन डेरिवेटिव तो कभी नहीं यूज होगी. कीमो प्रोफाइल एक्सेस ऑफ मलेरिया इज रिकमेंडेड फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द सब्जेक्ट. अब ये थोड़ा सा अलग वर्ड आ गया. जूनियर एनालिस्ट की क्लास कब से होगी? अभी से. सर ये कौन सी बीमारी है? लेस्मेनियसिस, लेस्मेनिया डोनोवानी, यही तो बोला बेटा, काला आजार. नहीं सुना है? थोड़ा सुन लेना. वैसे इस क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं, ये कीमो प्रोफाइल एक्सिस की जब बात किया जाएगा, यानी जो हमारा प्रोफाइल एक्सिस रिकमेंडेड है खासतौर पर उन एरियाज में जहां हमारा नॉन एंडेमिक टू एंडेमिक. वैसे आप लोगों ने हाँ जी क्या बात हो रही थी? हाँ, एंडेमिक. अभी आप लोगों ने कोविड में एक नाम सुना होगा, क्या? पेंडेमिक. जैसे पेंडेमिक है वैसे एंडेमिक है, एपिडेमिक है. स्पेसिफिक रीजन वाइज अगर पूरे वर्ल्ड में हो गया तो पेंडेमिक हो गया, जैसे कोविड था. स्पेसिफिक एक रीजन में है तो एंडेमिक हो जाएगा. एपिडेमिक हमारा जब चेंज होता रहता है टाइम के साथ वो आ जाएगा. अब यहां पे अगर बोला गया कि अगर कीमो प्रोफाइल एक्सिस उन एरियाज के लिए रिकमेंडेड है जो प्री एंडेमिक या नॉन एंडेमिक टू एंडेमिक एरिया में जा रहे हैं, तो ट्रेवलर्स फ्रॉम नॉन एंडेमिक टू द एंडेमिक एरिया मींस आप जिस एरिया में हो वहां पे मलेरिया नहीं है, लेकिन अगर आप उस एरिया में जा रहे हो जहां मलेरिया है तो आपको पहले ही कीमो प्रोफाइल एक्सिस लेके जाना होगा. ये है इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का मतलब, दोनों आपको समझ में आएगा. सो ट्रेवलर्स फ्रॉम नॉन एंडेमिक टू द एंडेमिक एरिया, सपोज अगर मैं बात करूं अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे अगर आप जाओगे तो वहां पे मलेरिया बहुत है, कॉमन है. तो अगर वहां पे जाना है तो उससे पहले आपको मलेरिया का प्रोफाइल एक्सिस लेके जाना मस्ट है. बात समझे? चलिए, कीमो प्रोफाइल एक्सिस, ट्रेवलर्स फ्रॉम नॉन एंडेमिक टू द एंडेमिक एरिया. क्लोरोक्विन इज इंडिकेटेड इन फॉलोइंग डिसऑर्डर एक्सेप्ट. सब में यूज होगी, किस में नहीं यूज होगी? जल्दी बताइए. सिंपल क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के साथ. समझ में आया कि नहीं बेटा? वो जरूरी है. कालाजार साइंटिस्ट का घर मेरे गोवा के पास था, उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी. मुझे नहीं पता था तुम गोवा से हो बेटा. चलो चलिए चलिए जल्दी आंसर करिए. हो गया, ब्लंडर कर दिए. एक सेकेंड, क्लोरोक्विन अमोइबियसिस में यूज होगा? हां जी सर, एलईएस में तो यूज होता ही होता है, अभी बताया हूं. अमोइबियसिस में है, मलेरिया में है, एलईएस में है, लेप्रा रिएक्शन में है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, वीक स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट में है.
एंटी इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस में है, लेकिन जरा नाम सुनो, जरा नाम देखो, गाउटी। अरे गाउट, गाउट में क्लोरोक्विन का कोई रोल देखा है क्या? गाउटी आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज है। वर्ड बदला गया, सारा खेल बदल गया। सर गाउटी आर्थराइटिस में इसका कोई रोल नहीं है, और यही आपसे पूछा गया, यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट। बात समझे? रेड लिप महात्मा गांधी ऐसे ही थोड़ी ना बोला जाता है। चलिए, मलेरिया हो गया, अमोइबियसिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, लेप्रा रिएक्शन है, एलईएस है, यहां पे हमारी है। चलो 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 चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर अमीनोक्विनोलिन इज यूज्ड फॉर मलेरिया एज वेल एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड इट कॉजेस रिवर्सिबल रेटिनल डैमेज। ज्यादा टाइम नहीं देने का, सिंपल क्वेश्चन है। फोर अमीनोक्विनोलिन्स पहले ही आंसर आ गया। अगर इमोडियाक्विन भी दिख रहा है तो आगे देख लोगे तो मिल जाएगा आंसर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इमोडियाक्विन नहीं यूज होती, सिर्फ क्लोरोक्विन यूज होती है। सर एक बात बोले, प्लीज रिप्लाई कीजिए। सर अभी 23 वालों का जीपैट फेलोशिप नहीं मिल रहा है, प्लीज इसके लिए कुछ। कहां नहीं मिल रहा है बेटा? तुमने अपना नाम में नाइपर लिखा है, अब उसके बाद तुम बोल रहे हो कि नहीं मिल रहा है। नाइपर एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फेलोशिप मिल गया या मिलने वाला है या मिल रहा है? कॉलेज लेवल पे थोड़े से इश्यूज थे, उसके लिए मैंने कई बार आप लोगों को इस चीज के लिए समझा दिया है बच्चे, कि वो आपके कॉलेज लेवल से ही होगा। क्यों? जब तक आप कॉलेज लेवल, जब तक कॉलेजेस अपने यूनिवर्सिटी से कॉलेज लॉगिन यूजीसी की नहीं मांगेंगे, आपका आईडी कैसे जनरेट होगा? समझो इस चीज को। जो यूनिवर्सिटीज है उनके पास तो खुद है, तो उनको तो मिल गया। अब इसमें बताइए किसकी प्रॉब्लम है, मतलब कौन ये सॉल्व करेगा? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द सेक्सुअल फेज इन मलेरिया पैरासाइट्स अकर्स इन, जल्दी बताओ मलेरिया का जो सेक्सुअल फेज होता है वो कहां पे होता है? सर ओनली रैंकर को मिलेगा, ये कहां से बात हुई? मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं कि सिर्फ, मैंने बोला क्वालिफाइड को मिलता है, रैंकर कहां से आ गया? हां जी मंचन, इसको सोचना है क्या? दो टाइप के फेजेस होते हैं, सेक्सुअल फेज, एसेक्सुअल फेज। सेक्सुअल फेज होता है मॉस्किटो में, और एसेक्सुअल फेज होता है किसमें? ह्यूमन में। तो सिंपल आंसर देना था, सेक्सुअल फेज पूछा गया है मॉस्किटो में, क्योंकि गैमेट्स मॉस्किटो लेके जाएगा और वहां पे सेक्सुअल फेज चलेगा मैक्रो एंड माइक्रो गैमेट से, होगा कि नहीं? एग्जैक्टली। सो मॉस्किटो में क्या होता है, गैमेट्स आते हैं, जाइगोट बनता है, ओकाइनेट, ओसाइट्स, और उसके बाद स्पोरोजॉइट्स। ये स्पोरोजॉइट्स ह्यूमन में आते हैं, ह्यूमन में ब्लड से धीरे धीरे वो लीवर में पहुंचते हैं, लीवर में वो मेच्योर होते हैं, साइजोंट्स बनाते हैं, साइजोंट्स रप्चर होते हैं वो मीरोजॉइट्स फॉर्म में, मीरोजॉइट्स हमारे ब्लड आरबीसी में आ जाते हैं, और आरबीसी में मेच्योर होते हैं, मेच्योर होने के बाद वो ट्रोफोजॉइट्स बनाते हैं, और जो बाकी हमारे मीरोज यहाँ पे ट्रोफोजॉइट्स बनेंगे वो गैमेट्स बनाते हैं, उनको नया मच्छर फिर लेके चला जाता है। शुभजीत, नहीं बेटा, टॉप 100 रैंकर को मिस्टर मोंटू सर बोले हैं, पक कुछ भी। चलिए आ जाओ फटाफट। व्हाई डज ओनली फीमेल इन एनोफिलीज मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया? कृष्णु एंड दूसरा बच्चा कौन है?
शुभजीत बेटा मत करिए, जल्दी बोलो क्या मिला, बोलने की जरूरत है क्या? ओके एग्जैक्टली, फॉर द एग नरिशमेंट फीमेल ओनली बाय सक द ब्लड बिकॉज फीमेल आर इमोशनली डिजाइन टू बी क्रूएल, नहीं बिकॉज फीमेल नीड टू ब्लड फ्रॉम द वर्टिब्रल होस्ट टू द नरिश एग, मेल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू सक ब्लड इज द ओनली डाइट फॉर फीमेल मॉस्किटो, नहीं क्योंकि उनको अपने एक्स को मेच्योर करने होते हैं। क्लोरोफिन एक्ट एज प्रीरिथ्रोसिटिक, नहीं सर, इरिथ्रोसिटिक साइजेंटोसाइड फॉर द बोथ, हां जी एक्सोइरिथ्रोसिटिक गैमेटोसाइडल, गलत है, सिंपल आपको बोलना है इरिथ्रोसिटिक साइकिल पे काम करती है। एग्जैक्टली मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि फीमेल ही खून पीती हैं, गलत वर्ड मत बोलिएगा, ना ना ना। ड्रग यूज फॉर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया, अभी तो बात किया था यार कि क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया हुआ तो उसके लिए क्या दे दीजिएगा, मेफ्लोक्विन दे दीजिएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्लोरोक्विन ड्रग ऑफ चॉइस है, अगर उसका रेजिस्टेंस हुआ है तो मेफ्लोक्विन पे चले जाइएगा, क्विनिन भी रेजिस्टेंट में दी जाती है बट क्विनिन हमारे ऑप्शन पे नहीं है इसलिए हम सिर्फ मेफ्लोक्विन पे जाएंगे, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस हमारे यहां पे चेंजेस होते रहेंगे। विच इज द इनइफेक्टिव फॉर्म ऑफ द मलेरिया पैरासाइट, इनइफेक्टिव सॉरी इनफेक्टिव, जल्दी बोलो इन्फेक्टिव बोला जाएगा तो स्पोरोजोइट याद आएगा क्योंकि जब मॉस्किटो बाइट करता है तो अपने सलाइवा के साथ वो स्पोरोजोइट्स को ह्यूमन ब्लड में छोड़ देता है। पहले जी बैठ कर लो बेटा, नाइपर बात की बात है, फिर देखेंगे नाइपर में कितने क्वेश्चन आते हैं एकोलॉजी से। हां जी आदर्श पूरा है, स्पोरोजोइट्स यही तो हमारा सबसे पहला इन्फेक्टिव है, और मैंने आपसे यह भी बोला था सेप के बारे में भी बात किया था, ये सेप आपको दिख रहा है, ये सेप किस मलेरिया का है, स्पोरोजॉइट्स, ये सेप बनाना सेप्ड है तो फैल्सीपेरम का, और जब बाकी तीनों की बात करेंगे तो राउंड सेप्ड का होता है, करेक्ट। अरे वाह ये क्वेश्चन भी आ गया, क्रिसेंट और बनाना सेप्ड गैमेटोसाइट्स आर सीन इन्फेक्शन विथ, बनाना सेप्ड है फैल्सीपेरम है, अगर इसका नाम ही है, अगर क्रिशेंट की बात कर रहे हैं इसका नाम ही यहां से ओरिजिनेट हुआ है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज नेम फॉर द क्रिशेंट और फैल्सीपेरम फैल्सी फॉर्म सेव अंडरगोज द, जब ये हमारा राउंड से हमारा यहां पे बाइट करता है ना तो बनाना सेव्ड में यहां पे आता है। ब्लैक वाटर फीवर इज स्पेशल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय फैल्सीपेरम, जो फैल्सीपेरम से ही होता है ना, सेरेब्रल मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर, ये फैल्सीपेरम के ही हमारे डिफरेंट उसमें नेम्स में आते हैं। सो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से ही हमारा सेरेब्रल मलेरिया होता है, और साथ ही साथ हम बात करते हैं हमारा ब्लैक वाटर फीवर जो एक सीवियर क्लिनिकल सिंड्रोम की कंडीशंस होती है जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से कॉज होती है, जिसमें होता क्या है मेनली जो हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन होता है वो लगातार वहां पे क्या होने लग जाता है, ब्रेकडाउन होने लग जाता है और कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है जिसकी वजह से ब्लैक यूरिन फॉर्म होता है। सुन लो जरा क्या होता है, ब्लैक यूरिन फॉर्मेशन होता है और उसी ब्लैक यूरिन फॉर्मेशन की वजह से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के इंफेक्शन को हम समटाइम्स ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं क्योंकि ब्लैक यूरिन निकल रहा होता है, फीवर होता है इसलिए ब्लैक वाटर फीवर। चलेंगे ओके, ब्लैक वाटर काला पानी फीवर क्या होता है, प्रीमाक्विन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, इन्फेंट में नहीं दे सकते, G6PD डिफिशियंसी पेशेंट में नहीं देंगे, INA कांट डील द सिचुएशन, वहीं पे हमारा आता है प्रीमाक्विन एंटी मलेरियल नहीं देंगे लेकिन एल्डरली पर्सन में दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। टोन काइंड डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आपने कितना पढ़ाई किया है, आपको कितना तैयार है,
अगर तैयार है तो बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एल्डरली पर्सन में दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। G6 PD डिफिशियंसी पेशेंट में हिमोलिसिस कॉज करती है, नहीं दे सकते। बच्चों को नहीं दे सकते, तो ये प्रॉब्लम तो है। एल्डरली में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग किल्स द ऑर्गेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल्स। अब यहां पे सब एंटी मलेरियल ड्रग हैं, गगन जी क्या चाहते हो? मैं स्टाम्प पेपर पे पहले आपको लिख के दे दूं कि अगर आपने जीपैट एटी और फिंगर टिप पढ़ा तो आप क्वालिफाई कर ही जाओगे, ऐसा क्या? देखो क्लोरोक्विन तो नहीं होगा, ये तो आपको ही पता है। क्विनिन, आर्टेमिसिन, प्रीमाक्विन, तीन में ऑप्शन में ढूंढो, तीन में ऑप्शन है। किसने सही बोला? रफीक, इन द केस ऑफ द पॉलिटिक्स एंड द डिसीजन मेकर्स माई एक्सपीरियंस ऑलवेज फेल्ड, लाइक बिहार फार्मासिस्ट अटक गई, सरकार बदल गई, झारखंड फार्मासिस्ट, JSSC की बात करूं, थोड़ा सा बदलाव हो रहा है सरकार में, होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट हो सकता है कुछ टाइम आगे पीछे, लेकिन मान के चलो मई तक आपका ये एग्जाम हो जाएगा बेटा। सिंपल आंसर है बेटा, आर्टेमिस ने। अभी मैंने आपसे बोला था जो हमारा इंडो परोक्साइड लिपिड एंड प्रोटीन के इंडो परोक्साइड को इनहिबिट करता है, क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा जितने भी सेस्की टर्पीन होते हैं वो लैक्टोन इंडो परोक्साइड यानी परोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल, और उसी वजह से वो मेम्ब्रेन प्रोटीन को डैमेज करते हैं। करेक्ट है। चलिए, अमोइबियसिस इज एसोसिएटेड विद, अमोइबियसिस कौन सा इंफेक्शन है? प्रोटोजोअल इंफेक्शन, अमोइबियसिस, मलेरिया है, लेस्मेनियसिस, सब तो इसी में है ना। गुड। एंड टेबीबा हिस्टोलिटिका कॉज करता है क्या? अमोइबियसिस, जो कि एक एनारोबिक हमारा क्या होता है, प्रोटोजोवा होता है। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ अमोइबियसिस, अमोइबियसिस में क्या होता है? सिर्फ डायरिया नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की तो कोई बात ही नहीं है, डिसेंट्री विद द म्यूकस एंड ब्लड। हाँ, मुझे उस समय प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा था, मैं डायरिया से अच्छा इसको डिसेंट्री बोलू ना, अमोइबियसिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। आएगा डिसेंट्री विद द म्यूकस। इन एडिशन टू अमोइबियसिस, मेट्रोनिडाजोल इज यूज्ड फॉर राउंड वॉर्म इंफेक्शन, मेट्रोनिडाजोल, अच्छा, हुक वॉर्म इंफेक्शन, काला आजार, जीआरडीएसएस। सीधे लास्ट वाले पे चले जाओ, क्यों? अरे ये भी प्रोटोजोअल इंफेक्शन ही है, ब्लड भी होगा सर। बेटा अगर मैंने डिसेंट्री बोल दिया, डिसेंट्री का मतलब ही है डायरिया विद द ब्लड। डिसेंट्री का मतलब ही क्या था बेटा? डायरिया विद द ब्लड। ओके, जीआरडीएसिस ये भी हमारा प्रोटोजोअल इंफेक्शन है, अमोइबियसिस, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, जीआरडीएसिस, समटाइम्स हमारा एच पाइलोरी की बात करेंगे, टॉपिकल प्रिपरेशन के फॉर्म में भी हमारा समटाइम्स यूज किया जाता है मेट्रोनिडाजोल। खाया जरूर होगा, नहीं खाया है? अभी नहीं रोहित, चलो चलो जल्दी आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज बोथ एंथेलमिंटिक एंड एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी? निटाजोक्सानाइड, इमिटिन, क्लोरोक्विन, डिलोक्सानाइड, फ्यूरेट।
नो आइडिया ललित, नो आइडिया टोन काइंड। अच्छा पहले ही बोल दिया नो आइडिया, नहीं पता, कोई बात नहीं। एक ऐसी ड्रग जो हेलमेंथिक स्पीसीज में भी काम करे और प्रोटोजोअल में भी काम करे। अरे इमिटिन क्यों, एक सेकेंड, इमिटिन किसी एंगल से हेलमेंथिक में काम करेगी क्या? इमिटिन और क्लोरोनगेन का कोई रोल ही नहीं है सर, ये सिर्फ प्रोटोजोअल है। डिलोक्सानाइड फ्यूरेट की बात करेंगे, सिर्फ हेलमेंथिक है। लेकिन निटाजोक्सानाइड के बारे में अगर बात करेंगे, ये हमारा जीआरडीएसिस, वन एंड ओनली वन, सब में नहीं, जीआरडीएसिस जो कि एक प्रोटोजोआ है, और साथ ही साथ हमारा स्कैरिस या टीनिया सोलियम, इन पे भी हमारी ये काम करती है बाय इनहिबिटिंग द पोमोएट फेरोडॉक्सिन को, FOAR को इनहिबिट करके हमारी ये उस पे काम करती है। ओके डी क्यों नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एंथेलमिंटिक था बच्चे। द फॉलोइंग एंटी अमोबिक ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ कॉजिंग द ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस की बात करेंगे तो कहां देखने को मिलेगा? अभी भी पूछ रहे हो या सोच रहे हो तो सबसे बड़ी गलत बात है। क्विनिडा क्लोर, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हां जी सर यहां पे आएंगी। चलेगा क्विनिडा क्लोर, अभी आपसे बोला था ब्लाइंडनेस, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, विजुअल डिस्टरबेंस, इसलिए बच्चों में तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। द फॉलोइंग एंथेलमिंटिक एक्ट एज द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इन द निमेटोड एंड कॉजेज स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ द, खाली इतने में वर्ड लगा हुआ है, और अगर स्पास्टिक पैरालिसिस है तो कितने बार मैं आपको बोलूं, पायरेंटल पमोइड, फ्लैसिड होता तो पाइपरेजिन, स्पास्टिक है तो पायरेंटल पमोइड, ड्रग कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस। लो एक क्वेश्चन और फ्री का, कुछ ही पॉइंट पे सारा ये आपने देखा हो, ये सारे क्वेश्चन कुछ ही पॉइंट्स पे घूम रहे हैं। एंथेलमिंटिक इनहिबिटिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ बीटा ट्यूबुलिन। एक एंथेलमिंटिक ड्रग का नाम बताइए जो पॉलीमराइजेशन ऑफ बीटा ट्यूबुलिन को इनहिबिट करे। कुछ कहने की जरूरत है क्या? कुछ कहने की जरूरत है क्या? बीटा ट्यूबुलिन की बात आएगी तो हमारा एल्बेंडाजोल, थेबेंडाजोल है, एक ही वर्ड पे तो है यार, कितनी बार बोल चुका हूं। नेक्स्ट, ओके, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ मलेरिया रेस्पेक्टिवली। अल्सरेटिव कोलाइटिस दिख रहा हो तो सल्फासैलाजिन ढूंढ लीजिएगा, हां जी, और अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस दिख रहा है तो सल्फाडायाजिन एंड पाइरिमेथामिन का कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, क्या ही दिक्कत है। सोचिए इसमें कितना टाइम लगना चाहिए। अच्छा मैलिग्नेंट एंड बिनाइन मलेरिया भी होता है, मुझे तो लगा मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर होता है बेटा, है क्या इसमें टाइम देने वाली चीज? अल्सरेटिव कोलाइटिस, सल्फासैलाजिन, प्रोड्रग, सल्फापायरिडिन, 5-अमीनोसैलिसिलिक एसिड, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, कॉम्बिनेशन ऑफ द सल्फोनामाइड डेरिवेटिव सल्फाडायाजिन विद द पाइरिमेथामिन, सब पढ़े हो बच्चे, नया नहीं है। चूज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर माइल्ड इंटेस्टाइनल अमोबियासिस एंड एसिम्टोमैटिक सिस्ट पासर। ओहो, अमोबियासिस की बात चल रही है, और क्या है? इंटेस्टाइनल अमोइबियेसिस, खाली इतने में वर्ड है। नहीं बेटा साक्षी अभी तो नहीं बच्चे, एजोरिडक्टेज, हां जी, इंटेस्टाइनल अमोइबियेसिस में क्या याद आ रहा है? ना 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 ना, ना। मेट्रोनिडाजोल पे अगर आप चलोगे तो दोनों में चले जाओगे,
मेट्रोनिडाजोल इमिटिंग हमारा अमोइबियसिस सॉरी ल्यूमिनल और इंटेस्टाइनल और टिश्यू अमोइबिसाइडल दोनों होती हैं, लेकिन डिलोक्सानाइड फ्यूरेट के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइनल पे काम करती है। डिलोक्सानाइड फ्यूरेट दैट इज द ल्यूमिनली एक्टिव एजेंट हमारी होती है, और साथ ही साथ अगर आप बात करोगे ये एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्टम्स के लिए दी जाती है। अंतर है दोनों में। जब आप इसका क्लासिफिकेशन देखोगे ना एंटी प्रोटोजोअल या एंटी अमोइबिक ड्रग का, तब आपको ये आंसर जरूर मिल जाएगा। एंथेल्मिंटिक विथ इम्यूनो स्टिमुलेंट एक्शन पहला वाला ही, ये इम्यूनो स्टिमुलेंट है। आपने इम्यूनो मॉड्यूलेटर सुना होगा, इम्यूनो सप्रेशेंट सुना होगा, लेकिन इम्यूनो स्टिमुलेंट आपकी रेयर ड्रग में से, मतलब बहुत कम ड्रग है जिसमें से एक है लेवेमेसोल, के बारे में बात करेंगे। ये हमारा एपोप्टिक एक्शन भी इसमें होता है जो एपोप्टोसिस भी कॉज कराता है, साथ ही साथ एंटी एंजियोजेनिक एक्शन भी देखने को मिलता है। चलिए सेकंड लास्ट देखो क्वेश्चन क्या है। एंटीबायोटिक विद इनडायरेक्ट बेनिफिट इफेक्ट इन द अमोइबियसिस। अमोइबियसिस में इनडायरेक्ट कौन सी एंटीबायोटिक एक्शन प्रोड्यूस करती है? टेट्रासाइक्लिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमेपिनिन। अरे थोड़ा सा अगर मलेरिया भी देख लोगे ना तो मलेरिया के हिसाब से एक ही ड्रग एंटीबायोटिक मिलती है, टेट्रासाइक्लिन, जो मलेरिया में भी काम कर जाती है और अमोइबियसिस में भी काम करती है। उसी के क्लासिफिकेशन से उठा के यहां भी डालना था। चलेगा? क्यों इतना परेशान क्यों इसमें? अमोइबियसिस में सिप्रोफ्लॉक्सासिन कब से यूज होने लगी जी? टेट्रासाइक्लिन ही है, अभी क्लासिफिकेशन में आज ही देखा है एसएसटी। चलिए लास्ट क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेस्टेशन ड्यू टू द ऑन्कोसेसिड वल्वुलस इज। सर सिप्रो भी यूज होता है ना? नहीं बेटा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन डेरिवेटिव हमारे यूज हो सकते हैं, जैसे हम नॉरफ्लॉक्सासिन की बात करते हैं, समटाइम्स हमारी डायरिया में यूज हो सकते हैं, नॉर्टिजेट खाया भी होगा आपने, लेकिन अमोइबियसिस में नहीं मेरे बच्चे। हाँ जी मैं समझ गया, ओफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल, टिनिडाजोल, इनका कॉम्बिनेशन आपने खाया होगा, नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल या ओफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन आता है। ओके अच्छा तुक्का लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक। इस क्वेश्चन को पहले क्लास में समझेंगे फिर उसके बाद इस पे आंसर आएंगे। इवरमेक्टिन ठीक है, तुक्का वाला भी कभी कभी सही हो गया जाता है, लेकिन सुनिए जरा, हमारा जब ऑन्कोसर्का वल्वस की बात की जाती है, ये भी हमारा एक इंफेक्शन ही होता है, जैसे एस्कैरिस का इंफेक्शन होता है, जैसे मलेरिया का इंफेक्शन होता है, उसी में ये आता है, ठीक है। थोड़ा सा इंटेस्ट के बारे में क्लास में करूंगा, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। इवरमेक्टिन जितने भी एंथेल्मिंटिक वाले केसेस में इवरमेक्टिन हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है, बस इतना ही रहने दीजिए। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक। मलेरिया हमारा मींस ऑलमोस्ट हमारा कीमोथेरेपी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी डे आफ्टर टुमारो, हम देखेंगे ज्यूरिस, और मुझे उम्मीद है कि ज्यूरिस आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और जितने टॉपिक्स हैं उनको तो अच्छे से ही पढ़ लिया है, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। बेटा देखा जाएगा क्या उस पर किया जा सकता है, कोशिश देखा जाएगा, मैं उस पर बात करके फिर आपको बताऊंगा कैसे आप सभी लोग उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, कुछ सीखा हमने, कुछ जाना हमने। आज के क्लास पे जाने से पहले जरूर एक बार अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए। चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।